तो माशाल्लाह से जो है ना हमारी ईंटें आ गई हैं, ये सामने आप ट्राला देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वजन है ना, आगे वाले टायर जो ना ऊपर हो रहे हैं वजन की वजह से। हाँ सर उस्ताद जी, ठीक है ठीक है, जैक सिस्टम होता है इनका। पिछा। बस शापर से जाना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मैं जो है ना आ गया हूँ छत पर, तो मैंने कहा सोचा कि ये जो छत हमने ऊपर बनवाई है ना, अभी आधी बनी है और आधी अभी रहती है, तो मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ। तो अभी शाम का टाइम है और मौसम खुशगवार है माशाल्लाह से। तो एक बात आप सब बहन भाई कह रहे थे कि आप जो है ना ऊपर लंटर डलवाएं, तो आपकी बात तो 100% ठीक है, लेकिन उसका मसला ये है कि एक जो ये हमारा सामान है ना छत का, ये बिल्कुल ठीक पड़ा है, और दूसरा ये कि अभी जो है ना ऊपर ये दीवारें नीचे जो है ना ये कच्ची हैं, तो ये भी जो हम ऊपर से ग्राउंडिंग करवाएंगे ये भी तकरीबन 20-25 साल कहीं नहीं जाती अगर सही तरह हो जाए ना ग्राउंडिंग, और जो लंटर है वो भी 40-50 साल काम देता है, उसके बाद वो भी ऐसा ऐसा लूज़ हो जाता है। कि आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं, जैसे हम अपने माँ बाप की जगहों में नहीं रहे ना, हमने अपनी खुद की बनवाई है ना, तो जब हमारे बच्चे होंगे ना बड़े तो ये भी ऐसा ही करेंगे, तो ये भी अपनी खुद की मर्ज़ी करेंगे, क्योंकि ये जो है ना 20-25 साल बाद तो वैसे भी ये पुरानी हो जाएगी जगह, तो इसलिए बच्चे फिर भी नहीं बनवाएंगे। तो बच्चों के लिए हमने सोचा रखा है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, इंशाल्लाह शहर में इनके जो है ना कोई प्लाट लेकर इनके लिए जगह बनवाएंगे। तो बच्चे आ रहे हैं सामने, तो ये हम जो ईंटें ले आए इसका रेट भी मैं आपको बताता हूँ, और जो छत के लिए ले आए उसका रेट भी मैं आपको बताता हूँ।
तो ये जो हम ईंटें लेके आए हैं ना, ये वाली, तो ये 5,300 की ना 1,000 ईंट मिली है हमें। तो ये हमने ली थी 10,000 ईंट ली थी। और जो छत के लिए ना, जो ऊपर ग्राउंडिंग के लिए काम आएंगी, वो ये ईंट होती है पतली, ये वाली। तो ये 2,500 ये ईंटें हैं, और ये हमने ली है 6,000 की 1,000 ईंट। तो माशाल्लाह से, और जो रेत की एक पूरी ट्राली होती है ना, जो हमारे देहात में हमें मिलती है, वो सफ़र के हिसाब से होती है। अगर सफ़र नज़दीक हो, जैसे आप ही का घर वहाँ नज़दीक है, तो उन्होंने डलवाई थी तो उन्होंने 1200 रुपया दिया था, लेकिन हमारा सफ़र उनसे थोड़ा दूर है तो हमने जो है ना 1800 रुपया दिया है। तो ये रेत जो है ना, ये उस साइड पे जब जहाँ कतरे पिलाते ना, हम आपको दिखाया था एक मरतबा, रेत के टेप दिखाए थे, तो वहाँ से ये रेत नीचे से निकालते हैं, ऊपर वाली रेत नहीं उठा के आते, वो काम नहीं देती। तो ये हमारी 1800 रुपये की में आई है। तो हमारा सामान जो है ना काफ़ी मुकम्मल हो गया है। तो अब जो है ना मिस्त्री जो है ना, उन्होंने थोड़ा सा हमारे साथ वो कर दिया है कि ना सामान हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया है। और सीमेंट जो है ना वो रहती है, सीमेंट का हमने कहा हुआ है। तो जो हमारे मिस्त्री है ना, उन्होंने कुछ हमारे साथ थोड़ा सा परेशान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया नहीं था कि हम आपके पास 2 दिन काम करेंगे, फिर 2 दिन किसी और के घर जाएंगे भी काम करने के लिए। तो 2 दिन तो उन्होंने हमारे साथ हमारे घर का काम किया, लेकिन अब 2 दिन हो गए, अभी वो नहीं आए। तो आज मैं उसके पास गया हूँ, तो वो कहता है कि 1 दिन सफ़र करें, 2 दिन और सफ़र करें, फिर जो है ना आपके काम, इंशाल्लाह जो है ना 2 दिन तक फिर काम शुरू हो जाएगा। तो लगातार अगर काम होता रहे ना, फिर काम जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर गैप आ जाए ना, फिर जो है ना सारी चीज़ें इकट्ठी करना फिर मसला बन जाता है। एक जैसे काम स्टार्ट में शुरू हो जाता है तो वो रनिंग में होता है, चल जाता है, लेकिन जब रुक जाए ना, फिर जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चले ठीक है, जो नसीब में मिलता तो वही है। तो शाम का टाइम हो गया है, जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम जो है ना मैं जाता हूँ रोटियाँ लगवाने के लिए। तो अभी जा रहा हूँ रोटियाँ लगवाने, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। तो ये लकड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, तो इसके सारे ऊपर जो है ना वो बूटी जो है ना चढ़ गई है, जड़ी बूटियाँ जो होती हैं ना, जिसे हम कहते हैं चिब्बड़। ऐसे समझ लें ये खरबूजे की तरह होता है, तो वो वाली बूटी ऊपर जो है ना इसके चढ़ गई है। लेकिन ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल ईद के मौके पर ना हमारी जो ये लकड़ियाँ थी ना बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मुझे अभी तक याद है। और पिछले साल अभी मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ था, और हुरिया जो है ना वो दस दिन की थी हुरिया, और हमारे पास जो है ना उस वक्त जो है ना लकड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो हम जो है ना वो वहाँ से बाज़ार से जो है ना जो होते हैं ना टाल लकड़ियों वाला, वहाँ से ले कर आए थे। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गांव लग रहा है अब, चार साइडों पे सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो गया है। ये सूरज जो है ना हमारे घर के सामने जो है ना सारे दरख्त होते हैं ना, वहाँ से नज़र नहीं आता शाम को जब सूरज ग़ुरूब होता है, तो यहाँ से सामने साफ नज़र आ रहा है। ये देखें, जैसे अंडे की अंदर वाली जर्दी नहीं होती इस तरह, बस 10 मिनट बाद बिल्कुल ये ग़ुरूब हो जाएगा। तो यहाँ साथ में ये होटल है, शहर में नहीं है, शहर से पीछे है थोड़ा सा होटल, तो पहले शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब नज़दीक बन गया है। मुझे ना इस चीज़ का बहुत ही शौक़ है, और इसने जो डोगी पाले हुए हैं ना, ये देखें कितने प्यारे हैं ये, माशाल्लाह। तो वो ये कबूतर है इनके, इन्हें सदे और मेरे तो भेजे ही दे, इन्हें तो सदे मिलो। ये देखें, अभी यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।